ओम शांति। आप सभी महान आत्माओं का आज के संध्याकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जो रोज ही सुंदर अनुभवों का रसपान कर रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं और साथ ही प्रेरित भी हो रहे हैं, परिवर्तन के पथ पर इस अनुभव की श्रृंखला में आज हमारे सम्मुख एक ऐसी महान विभूति हैं जिनका परिवर्तन अद्भुत है, जिन्होंने लाखों आत्माओं को परिवर्तन के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है, जिनका जीवन एक ऐसी किताब है जिसे कोई पढ़ ले तो मानव से महामानव बन जाए, जिनका जीवन ही संदेश है। जयंती दीदी, वेदांती दीदी, सूर्य भाई जी, अशोक गाबा भाई जी, इन सब की रूहानी टीचर शांत, सरल, सौम्य और सद्गुणों की प्रतिमूर्ति आदरणीय सुदेश दीदी जी, हम जोरदार करताल ध्वनि से दीदी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सचमुच कहते हैं कि ईश्वर ने अनमोल रत्न गिनती के बनाए हैं, उनमें से एक खास रत्न आज हमारे बीच आए हैं। दीदी का बाल्यकाल ही बहुत ही सुंदर रहा, अध्यात्म से जुड़ा रहा, समाज सेवा का भाव मन में रहा और इन्हीं भावों को लेकर 1957 में आप बाबा के पास पहुंची, 74 में आपका विदेश जाना हुआ, 100 देशों की अब तक आप यात्रा कर चुकी हैं, वहां आध्यात्मिकता का अलग जगा चुकी हैं और यूरोप में जो ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र हैं, बाबा के घर हैं, उनकी आप निदेशिका हैं। तो ऐसी दीदी को आज हम अपने बीच पाकर धन्य धन्य अनुभव कर रहे हैं। और दीदी, आज अनुभव की श्रृंखला की शुरुआत पहले इस प्रश्न के साथ मैं करना चाहूँगा, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, बाल्यकाल कैसा था, परिवार में कौन कौन जैसे ज्ञान से जुड़े हुए थे और आपकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो कहाँ तक हुई। परिवार से सामने बाबा के हंसों को देखते हुए अपने जीवन के बचपन के दिन वर्णन करते खुशी भी हो रही है, कुछ स्मृति आ रही है कि कैसे लौकिक में पार्टीशन से पहले जन्म हुआ और 4 साल के हम 5 साल के होंगे, 4 और 5 साल के बीच में जब ये पार्टीशन हुआ और फिर तो भारत में ही आ गए। और भारत में पहले पंजाब में, आजकल हरियाणा कुरुक्षेत्र के पास स्थान, वहाँ थे और फिर दिल्ली के पास, हरिद्वार के पास, एक्चुअली हरिद्वार के पास यूपी में हमारे फादर की ट्रांसफ़र हुई, इंजीनियर थे वो जी। और हमारी एजुकेशन वहीं, छोटा सा कस्बा था, वहाँ लड़कियों का स्कूल तो सिर्फ 5 तक 5वीं तक, फिर बाद में 8वीं तक हुआ, पर हमारी लौकिक एजुकेशन फिर बीए तक रही और वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये भी एक वरदान था जो एजुकेशन स्थान, मतलब छोटा स्थान था तो एजुकेशन की पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि, तो एक दिन ऐसे ही बातचीत होते कि तुम तो अनपढ़ रह जाओगी। हमने कहा अनपढ़ क्यों रहेंगे, हम भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे मामा वो थे मिलिट्री हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट थे, फादर इंजीनियर थे, ब्रदर्स एजुकेटेड थे, जी जी जी, सभी अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे। हाँ, अच्छी पोस्ट पर, कोई बैंक में, कोई किस में, तो ये बात कि हम ना पढ़ें ये कैसे हो सकता है। क्यों, तो हमारे ग्रैंड मदर ने कहा कि लड़कियों का स्कूल तो सिर्फ 8वीं तक है, बस इतना पढ़ेंगे, वो कोई पढ़ाई थोड़ी होती है, वो कोई एजुकेशन थोड़ी कही जाएगी। मैंने कहा फिर मैं पढ़ूंगी, ज़रूर पढ़ूंगी। तो हमारे ब्रदर ने कहा कि अगर तुम हिम्मत रखती हो पढ़ने की तो फिर
मैं ट्यूशन कराऊंगा, एक्स्ट्रा टीचर रख के रखेंगे, तुम एक साल में 2 क्लासेस करो, हर 6 महीने के बाद एग्ज़ाम। तो मैंने तीसरी और चौथी एक साल, पांचवी छठी दूसरे साल, तीसरे साल में फिर मैं बॉयज़ स्कूल में जहां हमारे ब्रदर्स पढ़ रहे थे, क्योंकि ये था तो एक साल में 2-2 क्लास आप एक एक साल में 2-2 क्लास किए, तो हमारे 6 साल 3 साल बच गए जी। तो हमने ज्वाइन किया 600 बॉयज़ और सिर्फ 10 लड़कियां थी उस स्कूल उस कॉलेज में, नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कहलाता था वो, ग्रांड ट्रंक रोड पर मुजफ्फरनगर के आसपास स्थान। तो दीदी एक प्रश्न ये था कि बचपन में जब छोटे बच्चे खेलने कूदने सिनेमा नाटक देखने के शौकीन होते हैं, लेकिन आपकी रुचि सत्संग और समाज सेवा में थी? कुछ पुराने मैं समझती हूँ मेरे रुचि थी इस स्पिरिचुअलिटी में। मुझे याद है मैं 3 साल की थी तो हमारा मकान था तो बरामदे में मैं खड़ी थी, तो मैंने देखा कि मंदिर में यानी वो लाइट्स की आरती कर रहे हैं, तो मुझे लगा ये लाइट्स डांस कर रही हैं, तो मैं इन लाइट्स का डांस देखना चाहती थी, वो डांस कर रहे हैं। और फिर ऐसे मंदिर में जाना शुरू किया और ऐसे सवेरे जो है वो कथा गीता पढ़ती थी, तो वो मंदिर में जब जाना शुरू किया शाम को आरती के ख्याल से लाइट्स की डांस देखनी है, लाइट्स की डांस, तो 7-8 आरतियाँ बचपन से, 4 साल का बच्चा तो जल्दी सब सीख जाता है, तो गणेश जी की, तुलसी जी की, जय जगदीश की, शिव जी की, कितने प्रकार की आरतियाँ, आप सबकी आरती रोज करते थे? हाँ, वो आरती मतलब बचपन में ऐसे थे ना। और फिर सवेरे जाना शुरू किया, वो माताएं आंगन में बैठ के गीता पढ़ती थी, बड़ा आंगन और ज़ोर ज़ोर से बोलती थी, तो मुझे होता था मैं भी जाऊँ। तो एक अलमारी के नीचे, जैसे मूर्ति के नीचे अलमारी बनी होती थी, उसमें ही गीता रखी होती थी, सब उठा के पढ़ते थे। हमारी ग्रैंड मदर साथ में जाती थी या मदर जाती थी, तो मैं भी गीता उठा करके उल्टी सीधी जैसे पढ़ के बैठ जाती थी, और कोई माता जो ज़ोर से पढ़ रही है उसके पास जाके बैठती थी, और वो फिर उनको लगता था कि बच्ची इंटरेस्ट से है, तो वो ज़ोर से बोलती थी तो मैं रिपीट करती थी, हे अर्जुन मन बड़ा चंचल है, तो मैं भी कहती थी हे अर्जुन मन बड़ा चंचल है, वायु के समान तेज है, तो मैं वो रिपीट करती थी। फिर उन्होंने देखा इस लड़की का इंटरेस्ट है, तो मुझे इन्वाइट किया कि दिन में सत्संग होता है, इसको ले के आओ। तो मुझे बिल्कुल याद है वो, मैं वो माता है मुझे यहाँ बिठा के, वो अमृत था जाता है ना, कथा करने के बाद सत्संग करने के बाद जल छिड़कते हैं, पंजाब था वो, तो कहा होई वर्षा अमृत दी, पीले संगते बुक भर भर के, तर जाएंगी हरि नाम जप के। दिस इज फिर मैं 3 साल की 4 साल की, मैं मुझे याद है वो, यानी ये सत्य अमृत है, और हे आत्मा हे सत्संगी पियो दिस दिस अमृत से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो मुझे इतना आनंद आता था वो छिड़कने में जी जी। तो वो मुझे बार बार, इतना छोटा सा हाथ तो फिर बार बार देती थी, तो ऐसे में सबको छिड़क गया जी जी। मतलब ये भक्ति शायद पिछले जन्मों के ही संस्कार थे कि बाल्यकाल से ही शुरू हो गए। साथ ही आप हरिजनों को देखती थी शायद, तो मन में आता था कि इनका कुछ उद्धार कर दूँ जी। हरिजनों को जब आप देखती थी स्कूल जाते हुए कॉलेज जाते हुए, तो आपको लगता था कि इनका मैं कल्याण करूं, इनकी मैं सेवा करूं? नहीं, इस प्रकार से उस समय बचपन में तो नहीं था। जब कॉलेज में मैं जाना शुरू किया जी, तो रास्ते में गांव में जो वो भी छोटी छोटी कॉलोनी के लोग थे, तो कोई शराब पी रहे हैं, लड़ रहे हैं, घर बड़े गंदे हैं, गरीब बहुत हैं, तो मुझे हुआ कि मैं पढ़ कर के इनकी सेवा करूँ, क्योंकि 1 घंटे का वॉक होता था जाने का, जहाँ था हमारा घर और जहाँ कॉलेज था जी जी। तो ऐसे भावना हुई कि इनकी समाज सेवा मुझे करनी है, इनका उद्धार करना है। तो तब तक तो मैं 13-12 साल की हो गई थी, तो समझ थी मतलब। तो फिर जब उनको पैसा दो, ब्लैंकेट्स दो, तो वो बेच देते थे, गरम कपड़े दो बेच करके शराब पी लेते थे, दूसरी बार जब देखो तो कुछ नहीं है उनके पास। तो हमारी ग्रैंड मदर ने कहा कि इनको चाहिए रोटी, देखो जब
जो बाकी भी आते हैं ना गरीब घर में आते हैं वो लेने, तो रोटी लेने आते थे। तो मैंने फिर ये देखा कि वो इकट्ठा करके झोला, क्योंकि एक कॉलोनी में से अगर रोटी 100 भी इकट्ठी हो गई तो खाएंगे तो नहीं, वो भी जाके बूढ़ा भाई बेच देता था और शराब पी लेता था। तो एक तरफ तो बहुत इंटरेस्ट था कि मैं सेवा करूं, दूसरी तरफ ये यानी अंदर खुशी नहीं होती थी कि मैं इनको कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि वो बेच दिया करते थे। दीदी, भक्ति और सेवा भाव दोनों ही था, इन दोनों के साथ साथ आप ब्रह्मा कुमारी इसकी ओर बढ़ें, तो वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको प्राप्त नहीं हुई भक्ति से, जो आपका रुझान ज्ञान की ओर हुआ, ब्रह्मा कुमारी इसकी ओर हुआ? ऐसे तो क्या था कि मेरा बचपन से, क्योंकि ज्ञान का इंटरेस्ट भक्ति में भी परमात्मा की तरफ ध्यान तो बराबर रहा ना, क्योंकि सीखते ही थे। गुरु मंत्र भी स्वप्न में किसी ने, गुरु ने आकर के मंत्र दिया, फिर प्रैक्टिकल में भी मंत्र लिया। 10 साल की थी मैंने, स्वप्न में एक गुरु जी आए, उन्होंने मुझे ये हम सो सो हम का मंत्र दिया और बताया कि मैं कौन हूँ। तो मेरी मदर ने कहा ये तो हमारे गुरु के गुरु जी है। फिर वो उनकी जब गुरु जी आए तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, स्वप्न में नहीं प्रैक्टिकल में, तो कुछ मतलब संस्कार ही थे। तो मैं जब परंतु पढ़ाई में बिजी हो गई, तो क्या था कि मुझे ये था कि मुझे समाज सेवा करनी है, और ये मेरा बचपन से संस्कार था कि मुझे शादी नहीं करनी है। शादी क्यों करें, शादी छोड़ मतलब शादी का मतलब मेरी बुद्धि में था घर छोड़ के चले जाना है, और शादी माना अच्छे गहने अच्छे कपड़े, वो तो हमारे पास है, हम क्यों अपना घर छोड़ कर के जाओ। पहले तो इतनी ही समझ थी, फिर थोड़ी समझ में आई तो अच्छा नहीं लगता था, शादी का नाम ही अच्छा नहीं लगता था। और मैं 13 साल की थी, मुझे बिल्कुल याद है, मैं उस समय तो मैट्रिक पास किया था। तो एक दिन मैंने ग्रैंड मदर को कहा मुझे शादी नहीं करनी है, तो उन्होंने कहा खबरदार लड़कियां नहीं कहती हैं। मैंने कहा क्यों नहीं कहती हैं, मेरा भाई कह सकता है, वो गांधी जी का भक्त था, तो मैं क्या वो कह सकता है, तो मैं भी तो कह सकती हूँ। कहा लड़की पढ़ने में होशियार हो गई या जवाब देने में होशियार। मेरे फादर ने कहा अभी छोटी है, 20 साल की हो जाएगी ना जब, तब देख, अभी कुछ कहूँ नहीं। तो वो फिर मतलब टॉपिक समाप्त हुआ। पर मुझे आता था कि अगर ये अगर शादी करने का बनाएंगे भी सही तो मैं लड़के को लिख दूँगी सॉरी ये तो इन्होंने चूज़ किया है, मैंने तो तो मैं बिल्कुल अंदर इतना प्लान बनाया था कि अगर होगा सही तो मैं डायरेक्ट मना करूँगी कि नहीं, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आई। फिर जब ये मतलब उसी बीच में हमको एक जॉब मिला, हम स्कूल में पढ़ाने लग गए, वहीं पर ही जहाँ पर कॉलेज का था, कॉलेज के प्रोफेसर्स ने हमको विशेष एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दी थी, हमारी जो हेडमिस्ट्रेस थी उसकी शादी थी वो जाने लगी, तो फिर हमको जगह भरनी थी उसकी, एजुकेशन तो मेरी थी। तो तब तक FA कर लिया था हमने, उस समय FA हुआ करता था इंटरमीडिएट। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी एजुकेशन तो है ना, तो तुम सोशल वर्कर को तो मदद करो। तो मैं 3 महीना ऐसा स्कूल में सेवा की। तब तक मेरे हमारे भाई बहन फादर की ट्रांसफ़र हो गई दिल्ली में, तो हमारे भाई बहन आ गए दिल्ली में, मेरी मदर लौकिक मदर हमारे साथ रही वहाँ, हमको साथ देने के लिए अपने घर में ही हम रहे। तो जब मैं आई तो हमारी मासी ने वो बहनों को, वो उनकी बिल्डिंग में ही ब्रह्मा कुमारीज थी, तो उनको बहुत थोड़ी ये इम्प्रेशन था ब्रह्मा कुमारीज का जीवन कैसा है, और थोड़ा सीखा हुआ भी, योग भी सीखा, बाबा का ज्ञान भी लिया था। तो उन्होंने घर में हमारे भाई बहनों को जो सिखाया, तो किसी को शंकर का साक्षात्कार हुआ, किसको श्री कृष्ण का हुआ। तो जब हम आए तो उन्होंने बताया हमने, मासी ने हमको योग सिखाया, हमने ये देखा। एनीवे, परंतु मुझे उससे भी ज़्यादा ये कंसर्न था कि मैं शादी नहीं करना चाहती तो समाज जो है वो उंगली उठाएगा कि कुछ बात होगी ज़रूर, तभी तो शादी नहीं करती है। और तो मेरी मासी लौकिक ने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारियों के पास ऐसी शक्ति है
उनके जीवन का चरित्र इतना ऊंचा है, जिसको भी वो दृष्टि देती है ना, वही पवित्र बन जाता है। उनके लिए किसी को ऐसी भावना नहीं होती कि ये क्यों नहीं शादी की, वो भी कुमारियाँ हैं। वो था मेरे को एक तीर जैसे लगा, जैसे मेरे को जच गई बात कि मैं जाऊं ब्रह्मा कुमारियों के पास, मैं ऐसी दृष्टि लूं जिसको मैं देखूं ना, वही पवित्र बन जाए। मतलब ये एक बीज था कि मुझे पवित्र रहना है, और इसलिए एक माध्यम बना कि मैं यहाँ जाऊं और यहाँ रह करके मैं सबको संदेश भी दे पाऊंगी और साथ ही साथ समाज की सेवा भी कर पाऊंगी। उसने हाँ, मेरा पहली बारी वॉक करने गए तो मैंने ये सोचा कि मैं सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल सोशल वर्कर बनो। पहले दिन की वॉक ये थी। दूसरे दिन शाम को वॉक करने गए तो ये मेरा समाज वाला क्वेश्चन था, क्या कहेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो तुम देखो ना, तुम उनको डिपेंडेंट बना करके ना खुद खुश हो ना उनको मदद कर सकती हो, तुम स्पिरिचुअल वर्कर बनो, स्पिरिचुअल सोशल वर्कर बनो। तो मैंने कहा वो स्पिरिचुअल सोशल वर्कर क्या होता है? तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का परिचय दिया। जी, जी। फिर दूसरे दिन वॉक करने गए तो मेरा ये, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारियाँ वहाँ रहती हैं। तो मेरे को इच्छा हुई जी, यहाँ से शुरुआत हुई। दीदी 1957 में 16 साल की आपकी उम्र थी जबकि आप विद्यालय के संपर्क में आई, और 1958 में 17 साल की उम्र में ही आपने ये निर्णय कर लिया कि मुझे समर्पित होना है। यहाँ आपने इस एक साल में क्या ऐसा देख लिया, क्या ऐसा पा लिया कि इतना बड़ा जीवन का निर्णय ले लिया? एक्चुअली बाबा से, मेरा स्पिरिचुअल जन्म बाबा से हुआ है। मैं बाबा मधुबन से कहीं जा रहे थे, दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली में शाम का क्लास था, सितंबर मंथ था, सितंबर अक्टूबर ऐसे ही बता ना, तो वो तो दिन में शाम का क्लास, तो मेरी कॉलेज की फ्रेंड और मेरी मासी ने कहा था तुम आओ, निमंत्रण दिया था। तो हमारी लौकिक मदर, हमारी मदर उनके साथ, मासी के साथ होके आई थी, पर मैं नहीं गई थी। मैं तो एक बारी बिल्कुल शॉर्ट में गई थी देखने कि कहाँ सेंटर है, दो मिनट भी ठहरे होंगे, परंतु कभी ज्ञान नहीं सुना था, सिर्फ ये देखा कि हम यहाँ चित्र है। हमारी बहन ने कहा अच्छा, और ये कल्पट्री नहीं था, बोला अच्छा यहाँ ये फिजियोलॉजी सिखाते हैं, फिजियोथेरेपी सिखाते होंगे, हार्ट की आर्टरी है, कल्पट्री को देख के। तो मतलब वो पुत्र ज्ञान नहीं, उस समय तो दादी जी थी वहाँ पर प्रकाशमणि, उस समय मिलना तो फर्स्ट हुआ, परंतु और मैं बहुत उत्सुकता से देखना चाहती थी कि मुझे दृष्टि मिले। तो उसमें तो कोई जादू नहीं हुआ दृष्टि का, मतलब बस ये जल्दी थी तो वापस आ गए। पर बाबा के पास जब गए तो उन्होंने, बहनों ने कहा कि आपको ये सत्संग समझ में नहीं आएगा। जब बाबा जो जहाँ निमंत्रण दिया था, तो दिल रजौरी में ही था ये, तो हमारी मदर को जाने दिया, हमको नहीं। तो हमारी फ्रेंड ने कहा कि जाने दो, इसका इंटरेस्ट अच्छा है, मैं जानती हूँ, अगर इसको कोई चीज़ नहीं समझ में आई ना तो कल मैं कॉलेज में इनसे बात कर लूँगी। तो मैं छत पर क्लास था, तो खुला था, तो जैसे ही पौड़ियों से स्टेप्स से मैं ऐसे बैठ गई, समझा महात्मा जी आएंगे, गुरु जी आएंगे, जय गुरु जी महाराज होगा, जो सत्संग का इंप्रेशन होता है, आवाज़ होगी, परंतु कुछ आवाज़ नहीं। मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी जैसे ध्यान में बैठे हैं भक्ति के, कोई जयकारा नहीं हुआ। अच्छा बाबा तो बिल्कुल साइलेंस में आकर के बैठ गए सामने। तो जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि ये महात्मा जी, तो मुझे बाबा की बॉडी ऐसे लाइट की बॉडी नज़र आई। तो मैंने समझा ये सूर्य का एक रिफ्लेक्शन इन पर पड़ रहा है। तो फिर मैंने सोचा पर इनके ऊपर लाइट है, बाकियों पर लाइट क्यों नहीं है, उस एरिया में लाइट, फिर और क्यों नहीं है लाइट। तो मैंने जगह चेंज किया, जो वहाँ से बैठी थी थोड़ा और जगह थी, जब वहाँ जाके बैठी फिर भी मुझे लाइट दिखाई पड़ी। तो अपने आप को पिंच किया कि बराबर मैं अवेक हूँ। तो जगह चेंज की, कॉन्शियसली पिंच कर रही हूँ, परंतु वो जो एक्सपीरियंस था कि जो मैं लाइट बाबा की देखी
तभी तो ट्रांसलाइट का चित्र महसूस में देखते हैं जी। उस समय ट्रांसलाइट के चित्र की तरह ही बाबा की लाइट बाबा के आसपास भी थी और बाबा की भी साधारण बॉडी नहीं नजर आई। मैंने कहा ये अजीब महात्मा जी हैं। अच्छा, पर आकर्षण बहुत था उस लाइट में देख के, परंतु विश्वास नहीं होता था तो आंखें बंद की। जब आंखें बंद की तो फिर और भी बड़ा आनंद, जैसे मून लाइट होती है फुल मून, वो मेरे अराउंड है और गर्मी का मौसम, हाँ तो बंद करूँ खोलूँ बंद, जैसे बच्चे करते हैं ना, आंखें बंद करूँ तो बाबा की लाइट, आंखें बंद करूँ तो ये मून की सूदिंग कूलिंग फीलिंग, खोलती हूँ तो वो बहुत आकर्षण। तो अब थोड़ा ऐसा फीलिंग हुआ जैसे मोटे रूप में तो यही कह सकती हूँ, जैसे गर्मी बहुत होती है तो ठंडा हवा का झोंका लगे तो सारी बॉडी में वो फीलिंग आती है। तो मुझे केवल यहाँ तक नहीं थी, एकदम जैसे कि सिरन, जैसे कुछ ठंडक भी नहीं थी परंतु जॉयफुल, बड़ा आनंद वाला। तो दीदी क्या यही अनुभव आपका आधार बन गया कि आपने सोच लिया कि बस अब मुझे? नहीं, मम्मा आई थी तो फिर आधार बना, तो वो एक्सपीरियंस फिर मुझे जब ये नहीं ज्ञान का आधार वो बना, क्योंकि मैं पूछा ये क्या है, लाइट कैसे थी, तो तब थोड़ा समझ में ला कि इनमें भगवान आता है। मैंने कहा परमात्मा कैसे आते हैं, तो कैसे वो लाइट आती है, मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी। तो इंटरेस्ट हुआ दोबारा जाने का, क्योंकि वो बाबा से जो लाइट मिली, पर बाबा तो दूसरे दिन चले गए, वो तो क्रॉस कर रहे थे दिल्ली से। जी जी जी। फिर जो है थोड़ा स्टडी करती थी बैठ के, उस समय कोर्स का सिस्टम नहीं था। एनीवे मम्मा आई दिल्ली में, तो मैं कॉलेज से तब तक भी ये पढ़ रही थी, फाइनल था, तो मैं कॉलेज से आती थी और उस समय जगदीश भाई ने एक बुक लिखी थी, वो कोई मैं स्मृति सच्ची गीता ही थी, तो वो मुझे मम्मा को पढ़ के सुनाना होता था। मम्मा कहती थी तुमको टाइम है तो सुनाओ, अपना टाइम देती थी, मैं बड़े शौक से आती थी तो ऐसे पढ़ के सुनाती थी। तो फिर मम्मा थोड़ा थोड़ा चिटचैट करती थी उन पर, थोड़ा और गहराई में पुस्तक पढ़ने के बाद, मैं सुनाने के बाद। फिर एक दिन अचानक मम्मा ने मुझे कहा कि बहन जो टीचर है उनको कहाँ पर सत्संग करने जाती है, आज नहीं जा रही है, तुम जाओगी? मैंने कहा मम्मा मैं क्या सुनाऊंगी, मैं तो कभी सुनाया नहीं। तो कहा कि तुम जो मुझे पढ़ के सुनाती हो समझ में आता है? मैंने कहा बिल्कुल समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है, का फ़ायदा होता है। कहा मम्मा, मैंने कहा यानी ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल करने की चीज़ है। तो मम्मा ने कहा जो बात तुमको समझ आती है, अच्छी भी लगती है, फ़ायदे वाली है, तो दूसरों को बताने में क्या मुश्किल आता है। तो मम्मा ने एक मेरे अंदर जी बल भरा मैं गई, माताओं को अच्छा लगा जी, उन्होंने कहा मम्मा नेक्स्ट वीक भी इनको भेजना। ऐसे करते मम्मा से कनेक्शन जुड़ा और बड़ा जी जी। फिर मम्मा अभी थी वहीं पर ही थी, तो मम्मा ने एक दिन मतलब ऐसा दीदी जी ने, दीदी मनमोहिनी थी रेस्पॉन्सिबल सारे एरिया की, कुमारियों का क्लास रखा मम्मा के साथ, जिसमें जो भी आसपास दिल्ली के एरिया के थे उनकी कुमारियाँ आईं, 45 कुमारीज थी उस समय, हमारी लौकिक बहनें भी आई थी। तो मामा ने ये क्लास कराया कि ईश्वरीय सेवा में सुख कितना है, परमात्मा दुआ सब की दुआएं मिलती हैं, ये जीवन सेवा का महत्व, और फिर कहा कि काली पर बलि कौन चढ़ेगा। तो मतलब कुछ इस प्रकार की क्लास ही इसी प्रकार की प्रेरणा देने वाली थी जी। तो मैं उठ के खड़ी हुई, मामा के हाथ में हाथ दिया, मामा ने मुझे एम्ब्रेस किया, ऐसे लगा जैसे कि मैं ये शरीर छोड़ दिया है और ये जैसे कि नया जन्म है,
मैं तो बलि चढ़ गई, मर गई, अब घर गई। तो मदर ने कहा कि पूछ के समर्पण होता है ना। मैं तो मैंने कहा वो मौत का बुलावा था, काली ने, काल ने बुलाया, डेथ अचानक आ गई, तो डेथ कोई परमिशन थोड़ी ही लेती है। डेथ तो अचानक आ जाती है, मैं तो अचानक मर गई। एकदम स्वाहा हो गए आप, एकदम स्वाहा हो गए। आज भी दीदी बहुत सारी कुमारियां कुमारियां बैठी हैं यहाँ, जरा हाथ उठाएं। कुमारियां आप लोग भी ऐसी काली पे बलि हो सकती हैं? हाँ तो जरा एक बार हाथ तो उठाइए। दीदी ये सब भी ऐसी बलि होने के लिए तैयार। ये कितनी सुंदर सी बात है दीदी कि एक झटके में आपने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। लेकिन क्या फिर, जैसे आपने कहा कि माँ ने थोड़ा सा प्रतिरोध किया कि ऐसा होता है क्या, वैसे ही क्या प्रतिरोध परिवार वालों का भी हुआ? क्योंकि आपका इतना एजुकेटेड फैमिली था, सभी पढ़े लिखे थे, तो सबकी शायद कुछ ना कुछ आपके लिए आश रही होगी कि ये पढ़े लिखे कुछ बने, तो क्या सहज रूप से समर्पित होने में मदद मिली? मतलब क्या था कि मेरा वैसे तो बचपन से इंटरेस्ट तो था ना, फादर हमारे को पता था कि ये इस प्रकार के स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल है, तभी तो ग्रैंड मदर को कहा अभी कुछ नहीं कहो इसको। और खुद देखने के लिए आए थे, क्योंकि मेरे जीवन में ये वो एक साल में खान पान में परिवर्तन हुआ, घर में था योग देना बढ़ गया, नेचुरली अटेंशन, तो वो खुद देखने के लिए आए, तो मम्मा के क्लास में आना शुरू कर दिया। तो ऐसे फिर छुट्टी नहीं मिल सकती थी जी। तो एक्चुअली तो वो समर्पण तो हुई, परंतु ऑफिशियली तो लेटर चाहिए, उसके लिए तपस्या करनी पड़ी। तो वो कोई मना नहीं थी, वो पर्सनल पुरुषार्थ था जी। और मम्मा ने ही मारे हमारे फादर को कहा कि आपकी आपकी बेटी की बाबा को आवश्यकता है, सहयोग देवे, हमारी मासी ने सेंटर को। ऐसे आपका समर्पित जीवन शुरू हो गया। दीदी आपने मम्मा की बात कही है, तो हमारे सभी भाई बहने मम्मा के लिए, क्योंकि जून मास भी चल रहा है, मम्मा के बारे में कुछ आपके ऐसे अनुभव जो अब तक हम सब ने नहीं सुने हैं कि कैसी थी मम्मा, मतलब एक नज़र में क्या दिखता था मम्मा में, क्या सीखने को आपसे मिला कि जो जीवन को ही बदल दिया उन्होंने? मम्मा की जो धारणा थी बड़ी नेचुरल थी, गंभीर भी थी, पर मुस्कराहट भी बड़ी दिल की, यानी ऐसा महसूस होता जैसे कि पालना दे रही हैं, न्यारी भी हैं। और मम्मा क्योंकि मैं फिर रजौरी में रहने लगी, तो मम्मा अमृत वेले उठती थी, उठ कर के थोड़ा वॉक करती थी, ग्रीन लॉन था, फिर योग में बैठती थी, बाबा की फिर जो अमृत वेले के बाद फ्रेश होकर के नोट्स आते थे मधुबन से, बाबा स्पेशली भूरी दादी को, शांतामणि दादी लिखती थी, भूरी दादी फिर जब सब्जी लेने जाती थी तो पोस्ट करती थी, वो पोस्ट तीसरे दिन पहुंच जाती थी, मम्मा वो नोट्स पढ़ती थी, फिर क्लास कराती थी, फिर उसके बाद नाश्ते के बाद पोस्ट लिखती थी। वो भी मेरा सौभाग्य था कि मुझे फिर ये, क्योंकि मैं रहने लग गई थी तो हिंदी के जो पत्र होते थे वो मामा हमको कहती थी पढ़ के सुनाओ, और फिर डिक्टेट करती थी कि जब, तो वो मामा की जो एक मैच्योरिटी, प्यार, किसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के हर एक की परिस्थितियों के, कभी दिल के समाचार के, कभी प्रॉब्लम्स के पत्र, मम्मा शॉर्ट में जवाब देती थी। और कोई किसी का ये नोट किया, मैंने किसी ने कोई भूल की है, उसको उत्तर दिया, फिर वो व्यक्ति मिलने, ऐसे तो नज़दीक के सभी थे, आते थे पास आस पास के शहरों वाले, फिर मम्मा की दृष्टि में इतना ही स्नेह, इतना ही सम्मान, ऐसी फीलिंग नहीं देती थी कि, या पूछती थी कि तुम्हारा परिवर्तन क्या हुआ, सम्माने की शक्ति, और दूसरी आत्माओं को अपने स्वरूप में स्थित होकर के स्वमान देने आ जावे, इतने न्यारा रूप दिखाती थी जी। तो एक दिन मैंने मामा से कहा, मामा ये सब इतनी सारी बातें इन लोगों को जब आप मिलते हैं तो आपको फिर वो याद तो होता होगा ना कि आप, परंतु उनसे मुस्कराते, बात ऐसे करते हैं जैसे ये तो बिल्कुल क्लीन पेपर था।
मम्मा कहती क्यों याद रहे, वो तो उस समय की उनकी स्टेज थी, फिर तो चेंज हो गई, ये तो जैसे स्वप्न था, स्वप्न देखा फिर स्वप्न तो ऑटोमेटिकली भूल जाता है, वो तो जैसे स्वप्न था भूल गया, तो मैं उसको क्यों याद रखूं। जी जी जी, तो वो वाली बात कि मम्मा के हृदय की स्वच्छता कितनी, अपने जीवन की दिनचर्या और मामा के हृदय की भावना, पापा स्नेह की क्लासेस कराती थी कुमारियों की, तो भी बड़ी धारणा कराती थी जी। तो सारे दिन में फिर टेप जरूर सुनती थी, फिर बैठती थी मिलती थी तो बड़े सिस्टम से सबको टाइम देती थी। क्या ऐसी भावना दीदी मम्मा को देख करके आती थी, क्योंकि एक साधारण रूप में थी कि ये जगदम्बा हैं, सरस्वती हैं और भविष्य में लक्ष्मी बनने वाली हैं, तो क्या वो एक झलक या वो एक साक्षात्कार भी लोगों को हुआ करता था मम्मा से? ये उनकी रॉयल्टी जो थी ना उससे पता चलता था, परंतु मम्मा का ऐसा कोई बिल्कुल स्टडी वाला ही रूप लगता था, जैसे बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट हैं। एक बारी मम्मा से पूछा था कि मम्मा आपको तो यानी ये तो सर्टन है ना कि जैसे बाबा श्री कृष्ण बनेंगे आप लक्ष्मी बनेंगी, तो आप तो बनेंगी ना, फिर आप इतना यानी अटेंशन देती हैं। मम्मा ने कहा तभी तो, क्योंकि ये लक्ष्य है, ये बनना है, ये क्लियर है, तो बनना है तो उसके लिए तो पढ़ना है ना, उसके लिए तो बन तो नहीं गई हो ना, ये तो जैसे किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है, तो जहाँ डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है उसके लिए साधन लेना होता है तभी पहुंचेंगे, तो बन थोड़े गई हो, बनना है, इसलिए तो इसलिए वो पुरुषार्थ भी क्या करते हैं। यदि समर्पित होने के बाद, ऐसा मैंने सुना कि ऑलराउंडर दादी जी के साथ आप रहती थी और उस समय बहुत इकोनॉमी लोग किया करते थे सभी। तो एक बात और बताना चाहती हूँ मम्मा, एक्चुअली मम्मा जब दोबारा आई फिर तो तभी ऑफिशियल हमारे पेरेंट्स ने पब्लिक प्रोग्राम था, उस पब्लिक प्रोग्राम में इंडिया की पहली कुमारी जो ऑफिशियली समर्पण ऑफिशियली समर्पण, तो ये भी आपको देख करके फिर कितनी सारी हमारे साथ एक कुमारी करता है, उनके पेरेंट्स ने कहा जब अब सब ये हो रहा है तो ये भी तो चाहती है, तो ऐसे समर्पण हुई। जी 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 जी, सबको कितनी प्रेरणा मिली दीदी, आपने शुरुआत की और आपके पीछे इतनी सारी लंबी लाइन लग गई और यज्ञ का ये स्वरूप। नहीं फिर तो बड़े धूमधाम से अलग रीति से समर्पण होता है, वो तो सिंपल समर्पण था, परंतु पेरेंट्स को जो करना था समझो ऑफिशियली समर्पण। जी दीदी, समर्पित जीवन जब आपने शुरुआत की, जो बात मैं कह रहा था कि ऑलराउंडर दादी जी के साथ आप थीं और इकोनॉमी बहुत उस समय होती थी क्योंकि यज्ञ इतना संपन्न नहीं था, आप एक बार पेस्ट मांगने के लिए गई थी ऑलराउंडर दादी जी के पास, तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि बेलन लेके आओ और पुराना जो तुम्हारे पास पेस्ट है वो भी लेके आओ, उन्होंने बेलन से दबा दबा के इतना निकाल दिया कि एक हफ्ते तक और चल गया। तो दीदी कभी ये संकल्प आया कि कहाँ मैं इतने संभ्रांत परिवार से और कहाँ अब इतनी इकोनॉमी वाला जीवन जीना पड़ रहा है? नहीं, उसमें भी लगता था कि देखो कितना भगवान के यज्ञ के लिए यानी ध्यान कितना है, यानी हमको उस चीज़ ने भी इम्प्रेस किया कि देखो ये नहीं आया कि अच्छा पेस्ट हम तो फेंकने वाले थे, इन्होंने तो उसको ले करके कहा तो लाल लाल अभी है इसमें, मैंने कहा नहीं दादी खत्म हो गई है पेस्ट कर ले आओ बेलन ले आओ। तो बेलन लेके इतनी सारी तो सब बराबर मैंने देखी। तो ये था कि और किस कोई भी बात आती थी, एप्पल समझो घर कोई दे के आया लाल एप्पल सर्विस करेगा, लाल एप्पल एप्पल कैसे सर्विस करेगा। तो वो जो एक एप्पल समझो है उसी एक एप्पल के आठ पीस समझो, जो भी एक एक आते गए ना कोई भी आया मिले उनको वो एप्पल प्यार से दे दी थी। तो यानी सिंप्लिसिटी में भी प्यार भरा हुआ था, ये फीलिंग नहीं थी कि नहीं है, ऐसा फीलिंग होता था है सब कुछ है, ये रॉयल्टी भी थी। जी जी जी, नहीं का फिल्म बिल्कुल नहीं आती थी उस समय, इकोनॉमी ऐसी नहीं थी कि खाने पीने का कोई कंट्रोल हो, बनता था भोजन बनता था, भोग लगता था,
परंतु कोई बाहर की चीज़ें, और बिल्कुल वो भी था समझो हमारे इकोनॉमी रहनी है और दूसरों को भी दिखा रहनी है। तो हमको याद है कि हमारे मदर ने कहा कि गर्मी है ना, फ्रिज दे देवे ना, तो इशारा मिला कि नहीं, एक यहाँ रखेंगे तो दूसरों को फिर कैसे होगा जी। तो त्याग ऑटोमेटिकली दूसरों के कल्याण के लिए भी, हमको फ्रिज मिली, हमको को सुख साधन मिले, बाकियों को नहीं, तो ये कैसे होगा जी। तो इसी इस हिसाब से नहीं लाल सिंप्लिसिटी देखो ना, ठंडक है कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर वो बर्फ़ ले आते थे अंदर जो माताएं और ये अच्छी कुछ ना कुछ अपने घर से ठंड। तो दीदी इस प्रकार का कोई संकल्प तो नहीं रहा कि लौकिक में इतना कुछ मिल भी रहा है लेकिन ऐसा त्याग ना, भरा जीवन। तो लौकिक से तो मर गए, वो तो पुराना जन्म था जी। ये कभी नहीं आया, फिर भी हम गए नहीं घर, वो हमको क्योंकि ये नशा था। मैं मर गई हूँ, मुझे ये बिल्कुल याद है, जब मैं एक हफ्ता रहने गई तो फिर मामा ने कहा एक हफ्ते के बाद आना, क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर को कहा एक हफ्ता। तो मैं आई, जब मैं वापस आई तो जाना तो मुझे वापस जाना ही था। तो हमारे छोटा भाई, उसको पता चल गया कि कपड़े लेने आई है, उसका मतलब वहाँ जा के रहेगी। वो पीछे पीछे आया, हाय दीदी, हाय बहन जी, हाय बहन जी। तो मुझे था ये तो मेरा मुँह का टेस्ट है, तो मैं वो पीछे हाय हाय कर रहा है। तो मैंने कहा मैं तो मर गई हूँ ना, अब कोई मर जाता है तो ज़रूर सब हाय हाय करेंगे। तो मैंने अंदर ये गीत बनाया, मैं अंदर बस मैं मर गई तो मरने पर बेचारे हाय हाय करेंगे, वो करेंगे हाय हाय, मैं करूँगी वाह वाह, वो करेंगे हाय हाय, मैं करूँगी वाह वाह। ये करते करते ऐसे मैंने उस अटैचमेंट को मेरे पर प्रभाव ना पड़े। फिर मम्मा ने मैं हमारे भाई को इतने प्यार से समझाया, मासी के घर गई है ना, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए तुम भी चले जाओ, वहीं जाके रहना, मासी के साथ भी रहना, बहन के साथ भी रहना। अच्छा फिर मैं, और मुझे पक्का था, तो फिर मम्मा कहती थी नहीं वो आएगी रहेगी, पर मैंने एक दिन भी समर्पण होने के बाद रात नहीं रही हूँ वहाँ। कितने सुंदर, ये भी एक सुंदर नष्ट मोहा बनने की बात है, सचमुच हम सब के लिए प्रेरणा की बात है कि एक बार मरे तो फिर मर गए, फिर हमें वापस नहीं जाना है। दीदी बाबा से बहुत गहरा आपका रिलेशन था, मैं कहूँगा कि एक फ्रेंड की तरह बाबा थे, पिता की तरह आपके लिए थे। तो बाबा ने बहुत सारे आपको वरदान दिए, साकार बाबा ने टाइटल दिए, जैसे बाबा आपको ज्ञान बुलबुल कहते थे, ज्ञान नाइटिंगेल कहते थे, ऐसे और कौन कौन सी बातें बाबा ने आपको कहीं, और क्या आपको लगा कि वरदान बाबा दे रहे हैं या ऐसे ही बाबा मुझे खुश करने के लिए नहीं, कहते हैं? वरदान के नहीं, ऐसे तो बहुत बारी बहुत बातें कही, तो मैं कहती थी आप मक्खन बहुत लगाते हो उस समय वरदान को वरदान रीति से नहीं समझा, एप्रिसिएशन समझा, एनकरेजमेंट समझा, और हमने कहा बाबा आप मक्खन बहुत अच्छा लगाते हैं, इसलिए मक्खन के लिए तो लिया नहीं इस प्रीति से मतलब। परंतु अब फिर बाद में समझ में आया कि जो बाबा के शब्द थे वो कितने प्रेरणा देने वाले थे। तो मैं, मुझे याद है कि वो बाबा ने ट्रेनिंग दी ऑफिशियली, वो उसमें मैं सीख समझा कि ये मेरे लिए डायरेक्शन है, ट्रेनिंग है। तो ये एक बुलबुल वाली बात के, रोज़ हम शाम को रात को पहले क्लास नहीं होता था, बाबा के क्लास से पहले आपस में अनुभव सुनाते थे। तो एक दिन बाबा आए, हिस्ट्री हॉल बन चुका था उस समय, तो मैंने खड़ाओं की आवाज़ सुनी तो मैं चुप हो गई, समझा बाबा आते हैं, पर बाबा तो अंदर आए नहीं। देन दो मिनट और कंटिन्यू किया, बाबा अंदर आए तो कहा ज्ञान बुलबुल क्या गीत गा रही थी, बहुत अच्छा गीत गा रही थी। तो वो समझ में आ गया कि ज्ञान कुछ और नहीं है, संगीत है, कि बाबा का गीता ज्ञान है। तो फिर उसी ख्याल से, उसी भावना से फिर बार बार बुलबुल भी कहते थे ज्ञान बुलबुल, तो ऐसे बुलाना भी एक दो बारी ज्ञान बुलबुल से बोला। फिर मैं कानपुर से जयपुर में हमको भेजा था, उसमें बराबर ये वरदान प्रैक्टिकल में बहुत सारे वरदान दिए थे। तो जब जब जयपुर में अचानक टेलीग्राम, जयपुर का म्यूज़ियम बना था, तो बाबा ने टेलीग्राम भेजा,
आज की डेट में ही तुम जयपुर चले जाओ, आज की डेट। टेलीग्राम में ऐसा था, रात की ट्रेन थी जो भी था, लेकर के पहुँच गए जयपुर में। तो फिर दिल्ली वालों ने बाबा को लिखा कि बाबा अभी कुछ महीना म्यूज़ियम खुल गया, सेवा हो गई, इनको वापस भेजो। तो बाबा ने कहा, लिखा उनको, ये घोड़े पर बैठी थी पहले दिल्ली में, अभी हाथी पर बैठी है, घोड़े से उतार करके हाथी पर थोड़े ही बिठाऊंगा, शेर तैयार करो तो भेजूंगा। तो बाबा का विजन समझो किस प्रकार से। दोबारा वो राजकुमार भाई कार लेके आए, जगह छोड़ के आए, बाबा ने कहा शेर कहाँ तैयार किया। तो ऐसा बाबा का हमारे लिए कि शक्तिशाली बनना है इतना, जो शेर पर सवारी करनी है, यानी गुरु महात्मा संत उनकी सेवा करनी होगी। तो बाबा इतना वरदान जो आपको देते थे, इतना गहरा, और बाबा पत्र भी आपको लिखा करते थे, वो पत्र भी आपने दीदी संभाल के रखा है जो बाबा पत्र लिखते थे? उस समय बहुत पत्र आते थे। तो वो एक कागज में, हम एक कॉपी में लिखना शुरू कर दिया जी। फिर पता नहीं कहाँ ट्रांसफर, इधर उधर ही कॉपी गुम हो गई। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि बाबा आपको पत्र लिख करके पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए प्रेरित करते थे। तो इतना गहरा बाबा से जो रिलेशन था, जब बाबा अव्यक्त हुए दे तो क्या उस समय आपकी स्थिति क्या थी? क्या आँखें नम हुई? क्या संकल्प था? एक्चुअली बाबा के अव्यक्त होने से पहले मैं नवंबर में 68 में जयपुर से पार्टी लेके गई थी। वहाँ से तो जल्दी जल्दी जाना होता था, तो उस समय बाबा जल्दी 2-4 दिन के बाद कहते थे, बच्ची कब वापस जा रही हो? मैं कह, तो मैंने कहा बाबा भी तो 2-4 दिन ही हुए हैं। फिर कहा, देखो बच्ची, हाँ मैंने ये कहा, मेरे को यहाँ रहने की जगह नहीं है क्या? सब तो इतना समय रहते हैं। तो बाबा ने कहा, सागर पर बादल आते हैं, तुम ज्ञान बदली हो ना, ज्ञान बादल भर के बरस के फिर आ जाना। तो जल्दी जल्दी आना जाना होता था। तो ये मैं जब लास्ट उसमें आई, ज्ञान बादल भी एक दिया, बरस टॉक एक टाइटल दिया था, भर के बरसना है, खाली भरना नहीं है पर बरसना है, फिर आ जाना। तो मैं ये पार्टी लेकर के गई, तो उस समय मैं पीछे वाले दरवाजे, लेट था ट्रेन तो पीछे के दरवाजे से आई, तो बाबा ने मुझे देखा तो मुरली तो ख़त्म होने वाली थी, 5 मिनट और मुरली चलाई, और फिर कहा, मेरा रूहे गुलाब आया है, मेरा महारथी बच्ची आया है, आओ बच्ची, आओ आओ आगे आओ। मैं थोड़ा संकोच किया, नहीं कहा, आओ बच्ची, बहुत सारे वरदान दिए उस समय। और मुझे, मैं आगे आके बैठी दीदी जी के बाजू में, तो दीदी बिल्कुल आगे बैठती थी, जगह भी थी। कहा, नहीं नहीं, यहाँ मम्मा की सीट पर बैठो। तो बीच में मम्मा की चुकियों, यानी बीच में बच्चों की होती थी सीट, इधर मम्मा इधर बाबा, तो मम्मा की सीट पर बिठाया। वहाँ बिठा करके इतने वरदान दिए, ये बच्ची देश में सेवा करती है, विदेश सेवा करेगी, अनेकों को संदेश देगी, नहीं नहीं नहीं, लाखों को संदेश देगी, वारिस बनाएगी। क्या समझ में नहीं आया उस समय तो। तो ये वरदान जब विदेश में जाने पर लाखों को संदेश देगी, वारिस बनाएगी, तो बहुत बाबा के बच्चे जो शुरू शुरू में निकले, वो हर जगह किसी न किसी कंट्री में जा कर के उन्होंने सेवा की जी। तो इस प्रकार से जैसे ये वरदान करते हुआ, तो मैंने उस समय बाबा ने मुझे, फिर मैं ये लास्ट 68 की बात है, तो बाबा ने थोड़ा टूर लगा मुझे, ऐसे दिखाया, ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ करके घुमाया, क्या 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 यहाँ पर होगा, पार्टी कहाँ रहेंगी, विशाल भवन भी बन रहा था और ये भी बन रहा था ट्रेनिंग सेंटर जी। तो बाबा ने कहा, बच्ची कुमारियों को तुमको ट्रेनिंग देनी है, पक्का बनाना है, मजबूत बनाना है। तो उस समय जब हम ये जो अभी तो सीढ़ियाँ हैं ना, जहाँ पर एवर हेल्थी हॉस्पिटल था, और अभी स्टेप्स हैं विशाल भवन में जाने के लिए, डाइनिंग रूम में जाने के लिए, हाँ,
वो हिल चढ़ने लगी जब ही, तो बाबा तो लंबा मैं छोटी, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो क्या देखा कि बाबा का हाथ हाथ नहीं लग रहा है, वो जैसे एक रुई की तरह ट्रांसपेरेंट है, मांस है नहीं। मैंने बाबा की बॉडी को देखा तो एकदम जैसे लाइट, तो मैं ऐसे, बाबा ने मेरा, तो मुझे लगा जैसे कि ये फरिश्ता व्यक्त रूप बाबा का है, तो मैं रुक गई ना जैसे, तो बाबा ने मेरा हाथ प्रेस किया, बच्ची चलो, जैसे मुझे वापस लाया। तो मैं फिर जहाँ वो मिक्स हो रहा था सीमेंट वाला कुछ, क्योंकि मकान बन रहा था, लास्ट ट्रेनिंग सेंटर का लास्ट कोट था, उसको सीमेंट लगाने का पर्न था, तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, इस मिस्त्री को पता है सीमेंट कितना डालना है और रेत कितनी डालनी है, अगर उसमें ज़्यादा रेत डालेगा तो बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी, दरार पड़ जाएंगे, तो ट्रेनिंग ब्रह्मा कुमार कुमारी का मतलब क्या है, जीवन की बिल्डिंग बड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो ये जैसे बाबा का इस प्रकार से वो लक्ष्य रहा, समझे कि नहीं हम खुद। अच्छा, मैं जब वापस, हाँ फिर कमरे में गए दूसरे दिन, तो बाबा ने कहा बच्ची दिल्ली से टेलीग्राम आया है, तुमको जयपुर वापस नहीं जाना है, बाबा को अपना वायदा पूरा करना है, उन्होंने वहाँ पर म्यूज़ियम बनाया है दिल्ली में और सेवा वहाँ जाके करनी है जी। तो ये था फिर से वापस दिल्ली में आ जाना जी। तो बाबा से विशेष इस प्रकार की, तो ये विशेष जो है विदेश की वाला बाबा के पास विजन था जी जी, तो जी ये वरदान उन्होंने दिया। दीदी संक्षेप में समय हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि संक्षेप में मैं इनके उत्तर आपसे लूँ। दीदी विदेश की बात आपने कही, तो जब आप विदेश में गए, भारतीय संस्कृति बिल्कुल अलग है, विदेश की कल्चर बिल्कुल अलग है, यहाँ एक हरा भरा सेंटर था आपके पास, वहाँ गए तो शायद दो चार लोग ही थे, तो क्या उस समय संकल्प था, क्या कभी ऐसा लगा कि अरे इससे अच्छा तो भारत ही था, और वहाँ की कल्चर बिल्कुल खुली हुई है, यहाँ हम ढक के रहते हैं, वहाँ सब खुले खुले रहते हैं, तो कुछ अटपटा सा लगा? पहले तो जब गई तो थोड़ा क्या था कि मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि पैदल सब बहुत सिंपल था, वहाँ पर भी तो कोई साधन नहीं थे जी। पैदल जाना होता था, बस में जाना होता था, बस स्टैंड पर खड़े होते थे तो जाने, तो ट्रैफिक लाइट पर लोग चलते फिरते, सिनेमा चल रहा होता था, ये मुझे शौक लगा वैसे वहाँ पर जाने पर, पहले शौक का मतलब मैंने अजीब सा लगा कि बाबा कहते हैं सिनेमा नहीं देखो, तो ये तो दो लड़की दो लड़के, एक लड़का एक लड़की, जहाँ तहाँ देखो सिनेमा चल रहा है, बगीचे में देखो सिनेमा चल रहा है, सिनेमा मतलब समझ गए ना, एक दो को खुले आम मिल रहे हैं, जो समझो हम तो शादीशुदा भी ऐसे नहीं, ऐसे इंडिया में, तो मुझे ये नशा चढ़ा कि मैं भारत की गंगा पतित पावनी बहती बहती यहाँ आ गई हूँ, तो ये कॉन्शियस पहले तो ये हुई सेवा किसका कॉन्शियसनेस। फिर वहाँ ये पता था मेडिटेशन सीखते हैं, मेडिटेशन सिर्फ सिखानी है, परंतु जब प्रैक्टिकल में ज्ञान सुनाना शुरू किया तो जो स्टूडेंट आने शुरू हुए उसमें तो कितनी जगह फिर सेवा शुरू हुई, तो ये पता चला उनको तो ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, और इसी में ज्ञान की गहराई में भाषण, तो भाषा नहीं आती थी पर धीरे धीरे बोलते बोलते वो एनकरेज करते थे, कहते ये भाषा आती थी परंतु यूपी में होने के कारण बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी इंग्लिश की, फिर वह सुनते बोलते नेचुरली टूटी फूटी बोलना शुरू किया, एनकरेजमेंट मिली बोलना शुरू कर दिया जी, जैसे जी। अभी जर्मनी में जर्मन भाषा ही, मुरली भी जर्मन, फोन भी जर्मन, क्लास भी जी, तो ऐसे फिर मदद मिली, मतलब दादी जानकी ने भी प्रेरणा दी बहुत जी। तो ऐसे तो इस प्रकार से क्या हुआ कि बहुत उनकी विशेषता ये थी कि वो अगर सुनना है अच्छी तरह तो बहुत ऑनेस्टी से,
सुनेंगे, सुन के और बताएंगे कि हमको ये चाहिए, नहीं सुनना है तो हम नहीं आएंगे, और ये नई बात हमको पसंद है नहीं है जी, तो जी। एक ऑनेस्टी और एक उनकी एक्यूरेसी तो और अप्रिशिएशन एंड एनकरेजमेंट उनका भी बहुत था। दीदी व्यक्तिगत अपने इस मुकाम पर जो आप पहुंची हैं, ज़रूर आपने अपने जीवन में कुछ नियम कुछ सिद्धांत ज़रूर रखे होंगे, संक्षेप में वो जानना चाहेंगे कि क्या आप अपने जीवन में नियम लेकर के चली जो यहाँ तक आप पहुंची। पहली बात तो ये जो बाबा की मूल धारणाएँ हैं स्टडी है, ये यही जीवन है, क्योंकि मम्मा को भी देखा, दीदी को भी देखा, दीदी जी की भी बहुत क्योंकि बड़ी दीदी हमारी मेन तो वहीं पर थी, वो भी बहुत अच्छी तरह से नोट्स लिखती थी, तो पढ़ाई पर तो ध्यान है ही है। तो ये स्लोगन है कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, जहाँ जीना है तब सीखना है, सीखने की भावना है, और कहाँ से भी सीखा जा सकता है, क्योंकि ये शिक्षा ही जीवन का, गॉडली शिक्षा ही जीवन का आधार है। दूसरी बात ये कि जो भी बाबा का कार्य है उस कार्य में सफलता है ही है, दिल से सेवा करते हैं, दुआएं मिलती हैं, और उसकी अप्रिशिएशन होगी होगी, क्योंकि भगवान का कार्य है, तो प्रेज़ स्वीकार नहीं करनी है, क्योंकि वो मेरा कार्य नहीं है, मैं तो एक गिलास हूँ, गिलास में दूध डाला, किसी को दूध मिल गया, अमृत डाला, अमृत मिल गया, पानी डाला, पानी मिल गया, ऊपर से आ रहा है, इधर जा रहा है, अब गिलास को थोड़ी कोई चकवाएगा, दूध पिएगा उस, तो वो तो बाबा की चीज़, बाबा के बच्चों को जा रही है। तो कुछ भी है वो मेरी नहीं है, वो इसकी है, उनकी वस्तु उनके आगे सबको समर्पण, तो ये भावना रहती है कि वो स्वीकार नहीं करना है और सीखना है बराबर। तीसरी बात, कोई बात हो गई तो वो मम्मा वाली बात, मन को कभी भी मैला नहीं करना है, कुछ भी हो हृदय में अगर मैंने कोई और बात रखी, सीख लिया, समझ लिया, अगर मन में रखा तो बाबा तो फिर नहीं बैठेगा मन में, और ना मैं बाबा के दिल पर बैठ सकूं। जी जी, तो जो मेन बाबा की दीदी की शिक्षाएं, बाबा की शिक्षाएं, दादी जानकी की शिक्षाएं, बहुत जो सबसे मिला है सीखा है। दादी की बात आपने छेड़ दी दीदी, अंत में मैं चाहूँगा, दादी के साथ इतने लंबे समय आप रही हैं, दादी की कौन सी बात अभी भी आपके कानों में गूंजती है? दादी की भी यही थी, एक तो मैं यज्ञ की जो यज्ञ दादी के रग रग में था, और हर एक आत्मा का जीवन में निपालना देने का यूनिटी, यूनिटी ही आधार है यज्ञ का, और इकोनॉमी तो थी परंतु रॉयल्टी भी थी, और मैं उनकी जो एक निर्माणता, महानता निर्माणता, वो जो सीन एक देखा था वो मुझे हमेशा याद रहता है, और सीखा भी सही। एक भाई ने बहुत फ़ोन पर किसी के हस्बैंड ने कितने विरोध किया, कितने बातें बोली, और दादी प्यार से जी भाई, जी मीठे भाई, जी मीठे भाई, ब्लेम करते हुए भी, पर वो ऐसा नहीं समझ रही थी कि ये कोई मुझे गालियां दे रहे हैं। दूसरे दिन गुरुवार था, इतनी टोकरा भर के यानी बास्केट बना के स्पेशल, जैसे किसी का बर्थडे होता है उनको फल भेजा, फूल भेजे। तो वो कहते हैं कि जो बाबा कहते हैं कि गाली देने वाले पर भी फूलों की वर्षा करो, जी जी। तो दादी को इतना मान मिलते हुए भी, दादी कितनी निर्माण रहने वाली, तो ये निर्माणता कानों में भी गूंजती है, आंखों में भी दिखाई पड़ती है, दिल में भी शक्ति है। आप दादी के साथ अंत में थे दीदी, ये अंतिम प्रश्न है मेरी तरफ से, दादी का जब यहाँ दादी थी तो अंतिम समय में आप उनके साथ साथ थी, बहुत करीब से आपने उनको देखा, तो एक संपूर्ण दादी को आपने किस रूप में देखा, और दादी ने क्या उस समय कुछ कहा कि सुदेश ये मेरी कामना है, इच्छा है, और सभी ब्राह्मण बच्चों को भी ये करना चाहिए, क्या दादी ने कहा या उनसे कुछ ऐसी प्रेरणा आपको मिली जिससे हम सब करें और दादी की उस आश को पूर्ण करें? दादी के क्लासेस ही ऐसी प्रेरणा थी, ऐसे स्पेशल बिठा के कुछ कहने का नहीं होता था,
क्लासेस ही इसी प्रकार की होती थी, जैसे कि चलते फिरते या रोज़ बिठा हम, क्योंकि शुरू में जब हम, क्योंकि हम तो उनके साथ 25 साल तो रहे दिल्ली, वहीं पर ही लंदन में ही 25 साल रहे, फिर गए विदेश वहाँ पर जर्मनी में। तो रोज़ का जो नियम होता था, साथ में बैठना है, खाना है बिल्कुल इकट्ठा ही खाना है, एक ही टेबल पर भोग इकट्ठा लगाना है, खाना है। तो उनकी जो यानी कुछ शब्दों में कह के सिखाने की बात नहीं। और हाँ, एक बारी देखा, थोड़ा मैं सोचती थी किसी कोई बात होगी, का क्या सोच रही हो, चेहरा तुम्हारा मेरा जैसा बड़ा होना चाहिए। चिंता वाला नहीं। वो तो एक एक ध्यान ये रहता है, बाबा ने जयपुर में हमको लिखा था बच्ची, उस समय तो योग अमृत वेले का कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं बैठते थे, कहा बच्ची लक्ष्मी, वहाँ ट्रांसपोर्ट लाइट है ना म्यूजियम में, तो लक्ष्मीनारायण के चित्र के सामने बैठ के उनके फीचर्स से अपने फीचर्स कंपेयर करो। तो ट्रांस बाबा का चित्र नहीं रखते थे क्योंकि बाबा से पहले तो था ही नहीं, तो उनके फीचर से अपने फीचर क्लियर कंपेयर करो। और दादी ने कहा मेरा चेहरा देखो कितना बड़ा है, ऐसे बड़ा चेहरा रखो। चलिए, इसी को हम प्रेरणा के रूप में लेते हैं दीदी की, दादी की, हम सब के लिए यही कामना थी है कि हम सब का चेहरा ऐसा खिला हुआ हो, हम भी उनकी तरह निर्मल निर्माण बने और इस यज्ञ को संपूर्णता की ओर ले चलें। आपके सुंदर अनुभव के लिए दीदी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक हाथ की ताली बजा करके हम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे कि दीदी आपने हम सबको बिल्कुल उस ज़माने में आप लेके गई जहाँ हम सब जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। चलिए, आप मीठे प्यारे बाबा की याद में बैठकर बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे दीदी के साथ साथ और इस सत्र को संपन्न करेंगे। ओम शांति।